नाम कुमारी मान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, 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 ओ नाम कुमारी चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ओ नाम कुमारी नान कुटकुटी प्रणाम श्री माता सचिन आप सबके श्री चरणों में शंकर चरण वंदना आप सबको स्वीकार हो। आज एक महान संत का महान गुरु का प्रकाश दिवस है। महान नाम के उपासक सबके गुरु बाबा नानक का प्रकाश दिवस आज संसार भर में मनाया जा रहा है। मानो ऐसे महान गुरु जो सबके हैं, किसी विशेष एक के नहीं। यदि हम किसी एक विशेष के मानते हैं तो हम गुरु को बहुत छोटा बना देते हैं। ऐसे महान गुरु को छोटा बनाने की जरूरत नहीं। आप जितना मर्जी बनाओ वे छोटे हो नहीं सकते। उन्हें स्थान परमात्मा ने दिया हुआ है,
बहुत सुरक्षित स्थान है। सबके गुरु बाबा नानक, आज जगह जगह आप सुन रहे हो, कीर्त करो, नाम जपो, वंद छको, मुख्य उपदेश नानक नाम जहाज है चले सूत्रे पर, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत्त भला, जगह जगह आप ये सुन भी रहे हो, समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे हो, गुरुद्वारों में भी यही आवाजें सुनने को मिल रही हैं। थोड़ी चर्चा साथ चले इसी महान संत पर शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में ही ऐसे थे, स्पष्ट है, पिछले जन्मों की कमाई साथ लेके आए हुए हैं। मानव परमेश्वर ने ही इन्हें गुरु बना के भेजा है। कोई तो होते हैं कि उनकी बाल्यावस्था यौवनावस्था संतों महात्माओं जैसी नहीं होती, कालांतर में साधना होती है, परमेश्वर की कृपा होती है तो वे संत बन जाते हैं, वे अपने स्थान पर महान है। ये तो बने बनाए ही संत आए हैं, इन्हें इस जन्म में मेहनत कम करनी पड़ी, पिछले जन्मों की मेहनत कमाई सब इकट्ठी करके साथ लेके आए हैं। बाल्यावस्था है, आज चिड़िया उड़ाने की कहीं नौकरी मिल गई, काम मिल गया, किसी खेत को चिड़ियां बर्बाद करती हैं, नन्हे नानक को ये ड्यूटी दी गई, इन चिड़ियों से खेत को सुरक्षित रखो, उस खेत के अन्नदाना ये चिड़ियां बर्बाद न करें, चुनके न दे जाए। नन्हे नानक खेत में चले गए, देखा चिड़ियां दाने चुन रही, चुग रही हैं, खा रही हैं, उनको देख देख के तो संत निहाल हो रहे हैं। वाह परमात्मा, तो कण कण में व्याप्त है तो सबका, मेरा है तो इन चिड़ियों का भी, जिस किसान का खेत है उसका भी तू है, तो सबका पालनहार है। ये सारी सृष्टि दे रही है, इस सृष्टि की रचना, इसको पालना, ये तेरी ही जिम्मेदारी है, और तुझे कितने सुंदर ढंग से निभा रहा है, चिड़ियों को कितनी स्वतंत्रता दे रखी हुई है, चुपती जाओ खाती जाओ, चुपती जाओ खाती जाओ, पेट भरती जाओ, तुझे तो सबका ख्याल है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष बाबा नानक को बोध हो रहा है, परमेश्वर ने हाल है देवी, मैं तो यूं कहूंगा, पिछले जन्मों की कमाई से इस संत पर परमात्मा बहुत निहाल है, स्वयं सब कुछ उनके लिए अरेंज करते हैं। कहते हैं अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए वह निरंकार, वह परमेश्वर, वह पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम, महान राम नाम के उपासक, बात की बातें परमात्मा जाने, लेकिन ये तो पक्के राम नाम के उपासक थे, महान उपासक, एकनिष्ठ उपासक, निराकार ब्रह्म के उपासक, उन्हीं को राम कह के पुकारते, अजन्मा है वह, अजर अमर अविनाशी परमात्मा के उपासक, जैसे आप सब लोग हो।
कहीं किसी रूप में भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, कहीं मां लक्ष्मी दिखाई दे रही है, कहीं कार्तिक स्वामी दिखाई दे रहे हैं, कहीं उनके वाहन दिखाई दे रहे हैं, मान वह निरंकार स्पष्ट कर रहे हैं बालक नानक को, मैं एक हूं, मेरे रूप अनेक हो सकते हैं, मेरे नाम अनेक हो सकते हैं, पर मैं एक हूं, एक ओंकार। परमात्मा निहाल है, सब कुछ स्पष्ट दिखा रहे हैं। मनी मन सोचा चिड़िया राम की, खेत भी राम की, जगो चिड़ियों को भर भर पेट, पेट भर अपना, मैं कौन होता हूं मना करने वाला आपको। यदि परमात्मा आपको देने वाला है तो मैं बाधा डालने वाला कौन हूं। चुगो चिड़ियों भर भर पेट, चिड़िया राम के खेत, चुगो चिड़ियों भर भर पेट। मुल्तान गए, कहते हैं वहां बहुत संत पहले ही थे, संतों महात्माओं को पता लगा भारत से एक और संत बाबा नानक नाम यहां पधारे हैं। उन संतों के मन में अनेक प्रश्न, क्या करने आ गए हैं यहां पर, उपदेशकों की कमी नहीं, प्रचारकों की कमी नहीं, संतों की कमी नहीं, उनमें पवित्रता की कमी नहीं, महान संत पहले ही यहां विद्यमान है, तो ये क्या करने आ गए हैं यहां पर। एक संत ने एक शिष्य को कहा, उसके हाथ में दूध का लबालब कटोरा दिया, जाओ नानक को दे आओ, पूरा लबालब भरा हुआ है, मानो बहुत सावधानी से शिष्य को नानक देव के पास लेके गया है। तब तक अभी बाबा नानक के पास कोई रहने के लिए स्थान नहीं था, मानो पहुंचे ही थे। पास ही एक वाटिका थी, उसमें से एक चमेली का फूल तोड़ा और बड़ी सावधानी से उस दूध के ऊपर रख दिया। शिष्य को कहा, जाओ अपने गुरु महाराज को ये कटोरा वापस कर दो। शिष्य बात को समझा नहीं, बड़ा तिलमिला गया। मेरे गुरु द्वारा दी हुई भेंट इसने स्वीकार नहीं की, भीतर रुष्टता है, ये क्या है, कुरकुर करता कटोरा वापस ले गया है, जाके संत को दिया। संत उसे तिलमिलाता हुआ देख के कहते हैं, वत्स शायद तो बात को समझा नहीं इसलिए तिलमिला रहे हो, मैंने नानक से एक प्रश्न पूछा था, संत आपस में कैसे बातचीत करते हैं, मैंने नानक से ये दूध का कटोरा लबालब भर के दूध का कटोरा भेज के एक प्रश्न पूछा था नानक से, उसने उसका उत्तर दिया है मुझे। क्या पूछा था महाराज आपने, शिष्य पूछता है। कहते हैं संताई जो पवित्रता देती है नानक, उससे ये मुल्तान ये कटोरा दूध की तरह बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, तो किस लिए आ गया है यहां पर। उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने एक चमेली का फूल उसके ऊपर रख दिया, जिस प्रकार इस दूध के सौंदर्य को ये चमेली का फूल कम नहीं कर रहा, इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है,
वैसे ही मेरे आगमन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपके मन में कोई ईर्ष्या उत्पन्न करने के लिए नहीं आया। इस संत ने बाबा नानक की विनम्रता को देखकर तत्काल संदेश भेजा, नानक आपका इस आश्रम में स्वागत है, इस कुटिया में स्वागत है, कृपया पधारिएगा। साधना साधक सुनो वही जो आपको विनम्र बनाए। साधना का लक्ष्य अभिमान की मृत्यु और विनम्रता का जन्म। विद्या भी देवी सज्जनों वही है जो आपको विनम्र बनाए, एरोगेंट नहीं। भौतिक विद्या तो ऐसी हो सकती है, मेडिकल एजुकेशन तो ऐसी हो सकती है जो आपको एरोगेंट बनाए, इंजीनियरिंग एजुकेशन तो ऐसी हो सकती है जो आपको एरोगेंट बनाए, लेकिन पराविद्या का लक्ष्य ये नहीं है, भक्ति का लक्ष्य ये नहीं है। ये आपको मेडिकल बुक्स में नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग की किताबों में नहीं मिलेगी, सत्संगति ये देती है, संत की संगति ये पराविद्या देती है, भक्ति का दान देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, भगवत प्रेम देती है। सब कुछ परमेश्वर का समझना, सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, मैं कुछ नहीं, ये पराविद्या सिखाती है। देवी सज्जनों इसी को त्याग कहा जाता है। बाल्यावस्था के नानक ने यही सिद्ध किया, सब कुछ राम का है, चुगो चुगियो, चिड़ियां भी राम की, खेत भी राम का, सब कुछ राम का है, बंदे का कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये त्याग है। यहीं से त्याग की एक शाखा शुरू होती है। बृहस्पति जी महाराज के पुत्र कंच पराविद्या सीखने के लिए गए हुए थे, अनेक वर्ष किसी आश्रम में किसी आचार्य के पास गुजार किया गया, और भी विद्यार्थी होंगे, अनेक वर्षों के बाद घर लौट गए। पिताश्री देवताओं के, देवी देवताओं के गुरु महाराज हैं जुपिटर, बृहस्पति जी महाराज देवगुरु। अपने बच्चे की स्थिति को देख के प्रसन्न नहीं हुए। विद्या ने जो विनम्रता मेरे पुत्र को देनी चाहिए थी, वह विनम्रता नहीं थी। इसके मन में यह है कि मैं पिता से ज्यादा शिक्षित हूं, मैं पिता से ज्यादा विद्वान हूं, ज्यादा ज्ञानी हूं। इसको विनम्रता देने की बजाय इस विद्या ने एरोगेंस दे दिया है। बाप बाप ठहरे, गुरु गुरु ठहरे। एक क्षण, बेटा बहुत पढ़ लिख के आए हो, अपने पुत्र को कहते हैं, बहुत पढ़ लिख के आए हो, इतने वर्षों के बाद आज मिलन हुआ है, इतने वर्षों की विद्या के बाद क्या शांति मिली? कहते पिताश्री शांति नहीं मिली, जब बेटा त्याग करो तो शांति मिलेगी। महर्षि पराशर भी मैत्री को
यही उपदेश देते हैं त्याग का। आज साधु त्याग की चर्चा शुरू करते हैं, अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे, उससे अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। त्याग से शांति मिलती है बेटा, जब त्याग करो, कुछ थोड़ा बहुत लेके तो एक वर्ष के लिए, एकांतवास के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए कंच निकले पड़े हैं, हाथ में एक मंडल है, एक दंड, पहने हुए कपड़े, बस इसके अतिरिक्त कुछ कुछ नहीं। मानो मेरे पास अब त्यागने के लिए कुछ नहीं। सामान्य समझ तो यही कहती है ना, त्यागने योग्य यही चीजें हैं, वस्तुएं हैं। पराविद्या ये नहीं कहती, हम तो यही समझते हैं कि ये सिर मुंडवा लिया ये त्याग है, कपड़े बदल लिए ये त्याग है, बाल बढ़ा लिए ये त्याग है, परिवार छोड़ दिया ये त्याग है, संसार छोड़ दिया ये त्याग है, कहीं जाके एकांत में जाके राम राम जपना शुरू कर दिया ये त्याग है। पराविद्या इसका समर्थन नहीं करती। ये सब कुछ आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये बहुरूपीय आपको बनने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज का त्याग करना है, बहुत अलग चीजें हैं। एक वर्ष के बाद पिताश्री से मिलन हुआ, क्यों बेटा शांति मिली? नहीं पिताश्री, त्याग करो बेटा। पिताश्री एक ही बात पर अटके हुए हैं, त्याग करो बेटा तो शांति मिली थी। सारे कपड़े उतार दिए, लंगोटी तक उतार दी, नग्न होके एक साल तक, अवधूत बन के एक साल तक, फिर विचले। अब मेरे पास त्यागने को कुछ नहीं, जो कुछ भी था, जो ऊपरी चीजें होती हैं, बाह्य चीजें होती हैं, बस मैंने सब त्याग दी। एक वर्ष के बाद देवी फिर पिताश्री से मिलन हुआ है, पिता भीतर से प्रसन्न है। ना समझी से दुखी हैं, लेकिन इस वक्त समझ से खुश हो रहे हैं, पुत्र आगे बढ़ रहा है, अब इसकी मति ठीक होगी। कहा पिताश्री आप फिर कह रहे हो त्याग कर शांति मिलेगी, मेरे पास एक ही चीज त्याग करने को रह गई है और वह है मेरा शरीर, मेरी लिए चिता तैयार कीजिए। मैं अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं, पर मुझे शांति चाहिए। ये पिता के संस्कारों का प्रभाव है, जो विद्या पढ़ी है उसका प्रभाव है, ये जो सत्संगति वहां इतने वर्ष तक की है ये उसका प्रभाव है। संस्कार कहीं दबे बैठे थे, गुरु महाराज की संगति ने उन संस्कारों को ऊपर उछाला दे दिया है। चिता तैयार हो गई, पिताश्री ने चिता स्वयं तैयार करवाई। देखता हूं ऐसे ही कह रहा है या वाक्य ही अपना शरीर त्यागने को तैयार है। जिस वक्त कंच बिल्कुल जलती आग में घुसने के लिए तैयार है, वह पकड़ ली। बेटा आज शरीर त्याग रहे हो, तेरे अंदर जो वासना भरी है इसके कारण दूसरे शरीर की तैयारी हो रही है, दूसरा शरीर तुम्हें मिलकर रहेगा, ऐसे त्याग का क्या फायदा? बेटा ये त्याग नहीं है, कपड़ों का त्याग त्याग नहीं है, आभूषणों का त्याग त्याग नहीं है, ये सब्जी खानी मैंने बंद कर दी है ये त्याग त्याग नहीं है, ये त्याग के बाह्य रूप है, इनको त्याग शास्त्र नहीं मानता, इनका अपना स्थान होगा, इनका अपना लाभ होगा, पर पूर्ण लाभ नहीं इन त्याग से मिलेगा। पूर्ण लाभ के लिए त्याग और है। अब मरने भी नहीं दे रहे, जीने भी नहीं दे रहे, पंच कहता है मैं मरने को तैयार हूं, आप मरने भी नहीं दे रहे मुझे, मेरी बांह पकड़ ली है, नहीं तुम्हें जिंदा रहना है, क्यों? ये त्याग नहीं है, त्याग कर पुत्र तुम्हें शांति मिलेगी। व्याख्या है पिताश्री, गुरु बन के तो मुझे समझाइएगा वह त्याग क्या है।
जाप शुरू होने वाला है सर्वजन, आज यही समाप्त करने की इजाजत मांगता हूं आपसे। पुत्र, जिस दिन मैं और मेरे का त्याग शुरू करोगे, उस दिन त्याग शुरू होगा। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है परमात्मा। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है परमात्मा। जब मैं और मेरा मिट के तू और तेरा रह जाएगा, तो उस दिन समझ लेना तेरा त्याग अब पूर्णत्व की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अभी साधक जनों, जब शुरू हो जाएगा, जो साधक बैठना चाहें जाप के लिए बैठें बड़े आराम से, जो उठना चाहें इनको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो, बड़े आराम से चुपचाप उठते हुए बाहर निकल जाएंगे।